हाँ हेलो, कहाँ अरे नहीं जाएगा? नो दोस्त, हम ना आएंगे, हमार बहुत तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा तबीयत खराब है, अब इसे कहाँ है तू? अस्पताल में है, इलाज करवा रहे हैं। अच्छा हॉस्पिटल में है, तनी ठीक से इलाज करवाना दोस्त। हाँ हाँ ठीक है, से करवा रहे हैं। अच्छा ठीक है तो रखते हैं। हाँ रख। नर्स भी बड़ी सुंदर है। अब पप्पा रजवा नहीं जाएगा, ओकर बहुत तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, उसको रहने दो। जीजा जी जल्दी चलिए ना, बहुत लेट हो गया है। हाँ चलिए चलिए, रजवा के चक्कर में खुनी से रुका था, यह बात था तो फोन करके काहे नहीं बोल दिया रे। चलिए चल चल। लड़की दिखाई, क्या बात है, कब आएगा? लड़की का घर ये है, बहुत सही। कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया है, सब लेटो हो रहा है। वाह वो बुलेरो में आए थे। टेम्पो वाला गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमारा कुटुंब सब आने वाला है। कुटुंब सब ही आए। आप प्रणाम प्रणाम, हमको लगा आप लोग बुलेरो से आइएगा। आइए आइए, हम सब व्यवस्था किए हुए, आइए। जीजा जी आपको बोल रहे थे ना कि बोलेरो से चलिए, सारा इज्जत गिरवा दिए। कुछ से तो आना ही ना था, अब बोलेरो वाला 2000 रुपया मांग रहा था, आज टुप्पी वाला 500 में आ गया। अरे मर्दे आप लड़का वाला है, लड़की वाला से ज्यादा पावर में रहना होगा, तब ना भैलू करेगा। अच्छा ऐसा बात है, तो शादी पहले काहे नहीं बोले? अब हम बोलेरो की, हम फॉर्चूनर से आते। फॉर्चूनर से आते। प्रणाम संदीप साहब। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए बैठिए बैठिए। हाँ 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 चला। उसका पैसा कौन देगा? बैठिए नाश्ता कीजिए संदीप साहब। अरे ये सब का क्या जरूरत था, हम लोग घर से खा ही कर निकले हैं। इतना जिद कर रहे हैं तो रखिए खा ही लेते हैं। अरे अल्लाह बरकत। लीजिए सारू जी, लीजिए साला जी। हाँ खा लेते हैं। संदीप साहब तनका लड़की को बुला देते हैं, लेट हो जाएगा तो टुकटुक वाला भाड़ा बढ़ा देगा। जीजा जी ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ बुला देते हैं। रे बेटा अंदर से जाओ, दीदी को बुला के लाओ तो। जी पापा। वैसे संदीप साहब हाँ आने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? टुकटुक में क्या दिक्कत होगी। अरे वाह लड़की तो बहुत सुंदर है। मौसा जी की जीभ का हेल अपना पाई जा रही भाई। चाय। प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। बैठ जा बउआ। ताला जी अरे लड़की इतना सुंदर है तो एक माय कितना सुंदर होगी। चलिए आपको दीदी से कहेंगे। बउआ आपका नाम क्या हुआ? जी चांदनी कुमारी। वाह एकदम जोड़ी लागल नाम है, चंदन संग चांदनी है। वाह वाह बउआ आपके मम्मी का नाम क्या हुआ? मतलब कि मम्मी पापा का नाम क्या हुआ? जी चंपक लाल और चंपा देवी, दोनों का मिला जुला। अरे लड़की के तनका दिखाओ ना। ठीक हो देख। अरे बाप रे बाप कितना सुंदर सुंदर माल सब है रे। आजकल पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या अपलोड कर देता है। थोड़ा साड़ी उठाइए तो। मतलब कि अब पैर देखना है, कहीं टेढ़ उड़ तो ना है। बउआ थोड़ा पैर दिखा दो। ये
क्या टिपिकल सोच है, है? अच्छा, बहुत अच्छा क्या घटिया सोच है, पैर देखना है, चल लेती हो या नहीं, बोल लेती हो या नहीं, लड़की देखने आये हो, कुर्सी देखने आये हो, पंडित जी के बोला के दिन तारीख उतरवा दे, थोक बजा कर खरीद रहे हैं। 15 लाख गिन दीजिए। ये लीजिए बउआ, हमारा तरफ से 11 रुपया। जीजाजी ये क्या कर रहे हैं? अरे आप लड़का वाला है, बढ़ा के दीजिए। 5000 का छेका किए थे वो। ये इनको देखो। ये लीजिए बउआ, 10001 रुपया लीजिए लीजिए हमारा तरफ से। कुछ तो इज्जत रखी। तो समधी साहब, आपका इजाजत हो तो बउआ सके अंदर भेज दे। जा बउआ, तू लोग अंदर जा। समधी जी, जी कह रहे कि पंडित जी के आवे में 15 मिनट लेट हो। अच्छा कोई बात नहीं है, आज कब तक हम लोग घूमते हैं इधर उधर। चल चल चलो शादी। हो फिगंजा, अरे जल्दी चलिए ना महाराज, लेट हो रहा है। अरे 10 मिनट रुकना, चलते हैं। तो ठीक है, भाड़ा बढ़ जाएगा, 500 नहीं अब 700 लेंगे। 10 मिनट में 200 रुपया बढ़ जाएगा। अरे रे, जो जो तो राइसेंस टुक टुक बहुत आता ही आ जाता है। जो जो, जो। अरे जीजा जी क्या कर रहे हैं? अरे बाबू रे, रुक हम दे वो पैसा। बात कर रही है भगवान। हाँ दोस्त, अच्छा साली उली है कि ना? एक पर एक सुंदर साली सब है। अरे बाप रे बाप, मजे आ जाएगा यार। साला उसकी गर्लफ्रेंड है फिर भी पूछ रहा है, हाथ तो हो गई। दोस्त रखते हैं पंडित जी, दादा भाई करते हैं। प्रणाम पंडित जी, आनंद रहिए। आइए आइए, बैठी बैठी। एगो शुभ मुहूर्त निकालिए। अभी निकालते हैं जजमान। कुंडली नहीं देखनी जजमान। दिनांक 8 फरवरी 2024 को शुभ विवाह का शुभ मुहूर्त है, उस दिन विवाह होगा तो विवाह नहीं टूटेगा। अब आप लोग हमारा 551 रुपया दक्षिणा निकालिए और विवाह का तैयारी कीजिए। बधाई हो समधी जी। ये आँख में क्या हो गया? वो पत्थर की आँख निकलवा दी। माखन भैया, आँख में क्या हो गया है? क्या हो गया है? जात स्वभाव न छूटे, टांग उठा के मुते गए थे कल पछियारी टोला, धके कूच दिया। लड़को छिका गया, दिनों उतर गया, आज बढ़ियाते हो जाने का तैयारी हो रहा है। लेकिन अब तक बिया नहीं टूटा। रे साला, तुम दोनों हमको बता रहा है कि ताना मार रहा है? जो आप समझ लो। बिया नहीं टूटा, अब देख, अब देख कि कैसे बिया टूटता। माला नीचे कीजिए, उस माला को थोड़ा साइड कीजिए। अरे लाइट कैसे लगाए हैं आप लोग? अरे लाइट बिल्कुल सेंटर में ना होना चाहिए, चंदन को भी तो लगेगा कि ओकर दोस्त लोग सजाया है। रे नील, जो तो चंदनवा से पूछता कि फोटोग्राफर के कॉल कर दिया है। ठीक है, हम पूछ के आते हैं, अब थोड़ा सजा ले। हाँ सजवा देते हैं, जो ना चंदन। ए चंदन, क्या बात है, प्रॉपर शादी वाला माहौल है, हल्दी हो रही, इतनी सारी औरतें। ठीक से लगाइए, काहे ला इधर उधर छू रहे हैं? चुप रहो, एक नंबर के छिंदर। ए मम्मी, दिल हर रहा है। ए कन्या, सिलौटी ना धोते का? नहीं धोते। हे भगवान, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, 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 नहीं होगा। काहे ब्याह नहीं होगा रे? अरे बोल दिया ना, ये ब्याह नहीं होगा मतलब नहीं होगा। काहे ये ब्याह नहीं होगा? बोल ना रे, बोल ना, काहे ये ब्याह नहीं होगा रे?
हमरा कोई बराती जाने के लिए पूछवे नहीं किया। अरे माखन रे, अरे भूल गए थे रे। ठीक है चलना बराती। गुरुजी चलिएगा ना बराती। चचा कितना प्यार से कह रहे हैं, हम लोग भी चलेंगे। हम ही नेता नहीं मानते हैं, टोकना चढ़ा करके नेता दिया जाता है। ये नहीं होगा, ये ब्याह होने नहीं देंगे। अरे झलपट ए तोरा कही ब्याह नहीं होगा रे। हाँ रे, हमरा कहे ब्याह नहीं होगा। तू ज्यादा रंगदारी पा देगा रे, तू ज्यादा रंगदारी पा देगा। यस साला, तू ज्यादा रंगदारी पा देगा रे साला, रंगदारी पा देगा। अरे दादा अभी आंख फूटी थी, अभी और पता नहीं क्या करवाएंगे। हड्डी टूट गई, हड्डी और साला उठ और साला 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 दिखा रे, आंख दिखा ले साला। एगो आंख तो फूटला है, दूसरा आंख फोड़ देंगे साला। हो गया तो दे दे, हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरुजी अब क्यों चले आए, हम बांस लेकर पहुंचे ही वाले थे। ये बांस तो घर में कर देंगे साले। अरे क्या तेरी मतलब हद हो गई। अरे कोठी का हाल चिल्ला हो रहा था रे रजवा। अरे कुछ ना, थोड़ा देह में ना मिर्ची लग गया था साला, मखना के कहीं और मिर्ची लगा हुआ था, वही धो रहे थे। ये कौन है? स्वागत नहीं करोगे हमारा? आप कौन है? स्वागत नहीं करोगे हमारा? फूफा जी। अच्छा, मुंह क्या देख रहा है? बैग उठा और हमारा बैठे ले सोफा उफा का व्यवस्था कर, वो भी एसी वाला रूम में। हाँ चलिए चलिए, लेटिंग रूम में एसी लगवा ले, उसी में बैठाएंगे। फूफा से मजाक करता है रे? ये इतना ज्यादा चिड़चिड़े हो ना, इसीलिए सिकरी हो। ओहो, बहुत क्या बात है, कार भी बिल्कुल मस्त सजाई है। सर जी खाना खाए हैं? हाँ जी जी खा लिए है। अच्छा चलिए ठीक है। रामरू भाई आप भोजन किए हैं? सब ऐसे खा लेंगे तो वहाँ जाके कठी खाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, पेट सुना कर रख ले। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। रे बुआ रे, अरे जल्दी बराती निकलवाएगा, अरे लेट हो रहा है। चाचा जी इतना हड़बड़ाएल काहेला है, बीत व्यवहार में समय लगता है। रे सब ब्लोर पर नेम प्लेट सटा गया है ना रे, फटका तोरे पास है ना रे, ठीक से छोड़ना ठीक ना। जी और मौसा जी एकदम गधा और बैल के जोड़ी लग रहे हैं। फूफा जी से ऐसे बात किया जाता है, अभी हम बिगड़ कर घर भाग जाएंगे। हाँ तो जाओ। कहीं का पैंट देखो, ऐसा लग रहा है कंकाल पे टांग दिए। भाई नहीं ऐसे नहीं बोल रहा है, फूफा जी कहीं बिगड़ गए तो। सारू जी तैयारी हो गए? हाँ हो गए। इसमें पाउडर अच्छा से मुंह में लगाए है ना? हाँ लगा ले ले बनी, आई एम सुंदर। बहुत सुंदर है। आई आई बैठे लो मामी बैठे। हाँ काहे आयो के दिन आप लोग इतना पी लिए हैं कि देह संहार में ना है, कोई हित कुटुम में संस्कार न है आप। हे मुआ रे, अमर मेघ लाता, ना हमको रहना है ना हमको बात करा जाना है। नाराज कहला हो गए मेहमान जी, अरे मजाक किए हैं, मजाक हुआ है ना आप। मजाक वहां से किया जाता है, देह से थोड़ी ना किया जाता है। पूरे 1100 रुपए वाला कपड़ा में माटी लगा दिया है, अब हम कथी पहन के जाएंगे बराती। उसका टेंशन आप नहीं लीजिए, लाइए हम झाड़ देते हैं। सबके मेहरारुआ को बस कीजिए सारू जी, अब इतना टाव नहीं रह गया शरीर में कि सबके मेहरारुआ के ले पाइएगा। तब जी जा
इतना झलदार कपड़ा पहने हुए हैं कि सब समधनी सबको पटा लीजिएगा क्या? ऐसा बात नहीं खे, बाकी मौका मिली तो छोड़ थोड़ी ना। अच्छा। रे बुआ रे, 8 बज गया, जल्दी से बराती निकलवाओ ना, जाने में भी समय लगेगा। अच्छा ठीक है चाचा, हम अभी निकलवाते हैं, चल निकलवा। प्रॉपर बिहारी भोजपुरी शादी कैसे होती है देख लो। वेरी नाइस। एटलीस्ट 3 औरतें तो होनी चाहिए। ए चाची, अरे लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे बस बस हो ही गया, अरे भीत व्यवहार में समय ना लगता है। हाँ थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे हाँ हाँ करिए रहे हैं। चलो भाई मोर सज गया। चाची थोड़ा हट जाइए, सब लोग में देखिएगा। अरे कैमरामैन हो गए, बस कल रहे दे। एक लास्ट देखिएगा सब लोग कैमरा में, कैमरा होता है अहमरा होता है, बस कल रहे दे। चल दोस्त चल। क्या बात है। ड्राइवर साहब हो गया, गाड़ी आगे बढ़ाइए। ए मौसा जी, गाड़ी के सामने कहला खा रहा है, चक्का उक्का चढ़ा देगा तो हेठ नरकवास हो जाएगा। अरे हट जाइए ना। हमको ये गाड़ी में बैठना है। अच्छा ठीक है, जाइए पिछला सीट पर बैठ जाइए, जाइए। हमको आगे वाला सीट पर बैठना है। ए मौसा जी, पूरा बकचोदे हैं कि आगे वाला सीट पर दूल्हा बैठता है, हटिए ना।
अरे हटिए ना, उठा कर फेंक। मौसा मौसा है कि क्या है? ड्राइवर साहब गाड़ी आगे बढ़ाइए, आराम आराम से, ज्यादा आराम आराम से। मौसा जी चलिए आपको गाड़ी के अगला सीट पर बैठाते हैं। काहे पे बैठाएंगे? ए मौसा जी कहला रो रहे हैं? हम आगे वाला सीट पर बैठो। तो आगे वाला सीट पर ना बैठाने के लिए लेकर आए हैं? फूफा जी तो नहीं बैठे हैं। ड्राइवर साहब गाड़ी में सीट खाली है कि? आगे भरा हुआ है, पीछे डिक्की खाली है। मौसा जी अगला सीट तो ना है खाली, पिछला सीट पर जाकर बैठ जाइए डिग्गी में। हम डिग्गी में ना बैठो, हम आगे वाला सीट पर बैठो। फूफा की गोद में बैठे क्या? आप ही पीछे जाकर बैठ जाइए, मौसा जी को आगे बैठने दीजिए। फूफा हो के हम डिग्गी में बैठेंगे रे, फूफा हो के हम डिग्गी में बैठेंगे। हाँ तो क्या करना, हमको बारात रात नहीं जाना है। ड्राइवर बैग लाता, हम अपने घर जा रहे हैं। भाई क्या यही से आप लोग जाए, हमने जाना बारात। फूफा जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपना बेइज्जती कभी नहीं। लीजिए फूफा जी आपके सीट पर मौसा जी बैठ गए। आप बहुत गलत किए हैं। आप क्या कीजिएगा फूफा जी, जाइए पीछे बैठ जाइए। ऐसे कैसे पीछे बैठ जाए, हम आगे में बैठेंगे। तनी ठीक से बैठो, हम कैसे कि हमारा साइलेंसर तनी जल्दी गरम हो जाला। उस साइलेंसर के हम थकूच दे। ड्राइवर साहब हो गया, गाड़ी खुलिए, निकलिए निकलिए। हाँ आराम से निकलिए, जाइए। अनिल चल अपना सा वाला गाड़ी में बैठ बैठ, चलिए। उसी बात पे हंसी आ रही। बारात का स्वागत, वाओ क्या बात है। बराती आ गई हो जा, अरे मार क्यों हो गया है रे दादा। मतलब हर शादी में, किसी शादी में अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो वो शादी ही कंप्लीट ना हो। यूपी बिहार की शादियों में ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है? हद हो गई। लेकिन यार आई एम सो डैम इंप्रेस्ड यार, सो इंप्रेस्ड भाई साहब। प्रॉपर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं किसी मतलब यूपी बिहार की शादी में रियलिटी में घुस गई हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा ही लग रहा था मैं वाकई वही देख रही हूँ। पूरा वो जो चढ़ावा मतलब चढ़ता है, ठीक है, और हल्दी और जैसा भी तेल मैन जो भी होता है वो सब कुछ हो रहा था, ठीक है, हर एक चीज। और क्या सजाया है भाई साहब, क्या सजाया है। मतलब गाड़ी से लेकर जो बारात का स्वागत वाला रास्ता होता है, ठीक है, वो सब प्रॉपर एकदम ऐसा लग रहा है ओरिजिनल जेन्युइन शादी हो रही है। गजब भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। और एक तो ये क्या ना माखन, हाँ भाई साहब आपको क्या दिक्कत है, हैं? तुम्हारी लड़की से थोड़ी ना शादी हो रही है उसकी, तुमको क्या दिक्कत पड़ रही है, हैं? हमको न्योता नहीं मिला है, कह दिए ना वो कि हाँ बारात चलना, अभी और क्या चाहिए तुम्हें, हैं? गोद में कंधे पे सर पे बिठा के लेकर चले यार, ये ऐसे लोग ना मेरा खून जलता है ऐसे लोगों पे कसम से। खैर यार ये एक्टिंग है, ओके काम डाउन। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। यार इसके जल्दी से एपिसोड 5 आ जाए, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मतलब इंतजार है। मुझे जयमाला देखनी है, शादी देखनी है। और ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है प्लीज इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दीजिए, ठीक है। शादी ब्याह में ये सब अच्छा नहीं लगता है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।